हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसे देखिए, कॉन्स्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पर चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, वो माइनस 10 ही रहेगा। अब माइनस 10 के फैक्टर्स को देखेंगे। फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि उनका सम या डिफरेंस माइनस 3 यानी कि एक्स के कोएफिशिएंट के बराबर हो। तो 2 - 5 इक्वल टू होता है -3 यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आइदर देखिए, जब दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 होता है तो उनमें से कोई एक नंबर 0 होता है। या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा। इसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आइदर या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 2, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट वन इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, रूट 2 है। तो इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई। 5√2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 5 × 2, दैट इज 10। अब 10 के फैक्टर्स लेंगे 2 और 5, सो दैट 5 + 2 इज इक्वल टू 7 इसके बराबर। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। और यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 5, और फिर √2 कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 5, यानी यहाँ हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -√2 और x इज इक्वल टू -5/√2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है, और 1 के बाकी बचे क्वेश्चंस भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, फाइंड टू नंबर्स होज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम है 27 एंड प्रोडक्ट है 182, हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर एक नंबर को हम x लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 - x, क्योंकि दोनों का सम 27 है। एक नंबर लेंगे x तो दूसरा हो जाएगा 27 - x। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर से 182 यानी कि x इंटू 27 - x इज इक्वल टू 182। यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें 182 के फैक्टर्स चाहिए, तो सीधे से तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग 182 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 फैक्टर्स मिलते हैं, 2, 7 और 13। अब 7 × 2 यानी कि 14 हम लोग लेंगे, और 13, ये दो फैक्टर्स लेंगे तो 14 + 13 ये 27 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट में रखा है क्योंकि बाद में यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, 14 + 13 x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 × x - 14 इज इक्वल टू 0 यानी एक्स माइनस 13 × x - 14 इज इक्वल टू 0। आइदर एक्स इज इक्वल टू 13 और एक्स इज इक्वल टू 14। तो अगर x को 13 लेते हैं तो दूसरा नंबर हो जाएगा 14, और x को अगर 14 लेते हैं तो दूसरा नंबर हो जाएगा 13, यानी कि दो ही नंबर रहेंगे 13 और 14। यदि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द पार्टिकुलर डे बी एक्स। ओके, पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article.
एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। तो एक पार्टिकुलर डे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो था थ्री मोर देन। थ्री मोर देन का मतलब होता है प्लस थ्री। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर एक्स लेते हैं तो उसका ट्वाइस यानी कि 2x, और उसका मोर देन थ्री यानी कि 2x+3 हो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द पार्टिकुलर डे बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x+3। देयरफोर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है 2x+3, नंबर है एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 90 के बराबर जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि 2x+3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90। सो आवर इक्वेशन विल बी 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। अब 2 × -90 ये होता है -180। इसके फैक्टर्स हमें चाहिए जिनका सम या डिफरेंस +3 हो। तो माइनस को भी इग्नोर कीजिए और 180 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टर्स हैं 2, 2, 3, 3 और 5। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपने मन में मल्टीप्लाई करके कि अगर हम लोग 2 × 2 × 3 यानी कि 12 लेते हैं और 5 × 3 यानी कि 15 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 × 15 180 हो जाएगा, और 12 को 15 से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। सो 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0। x × 2x + 15 - 6 × 2x + 15 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो आंसर मिलते हैं, x = 6 और x = -15/2। अब ये नेगेटिव वैल्यू है, रिजेक्टेड, बिकॉज नंबर कैंट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग का सवाल है, जहाँ पे काउंटिंग का सवाल होता है वहाँ पर कैसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर्स। यानी कि यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू -15/2 आया है इसे हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है फ्रैक्शन में, यानी कि एक रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग को काउंट करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स चाहिए। तो x = 6 लेंगे, x = 6 इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ऑल्सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x+3 था, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा ₹15।